हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर आप इसे एक वेबसाइट कह सकते हो। इस वेबसाइट पे हम आर्डिनो का सिमुलेशन कर सकते हैं। तो सिमुलेशन क्या होता है कि जस्ट आर्डिनो, अगर हार्डवेयर अपने पास नहीं है तो उसको हम सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि अगर आर्डिनो के साथ हम इस तरीके से कोड करेंगे तो वो किस तरीके से काम करेगा। ये सारी चीजें हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं अगर आपके पास आर्डिनो बोर्ड अवेलेबल नहीं हो, और अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो भी आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो देखो, इस सॉफ्टवेयर का नाम है टिंकरकैड, बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। तो आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है टिंकरकैड एंड इनकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो देखो, टिंकरकैड की वेबसाइट ओपन करने के बाद आप लॉग इन साइन अप, जो नॉर्मली सब वेबसाइट पे होता है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप जस्ट लॉग इन कर सकते हैं, और इसमें से आप पर्सनल अकाउंट चूज करके एंड गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। आपने गूगल में जो भी अपनी मेल आईडी यहाँ पर लगा रखी होगी तो वो आप सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लोड होने के बाद में हमें एक यहाँ पर इसका डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो देखो, ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको तीन मेनली ऑप्शन मिलेंगे जो काम टिंकरकैड सॉफ्टवेयर करता है। यहाँ पर आप 3D डिजाइन बना सकते हैं। हमारे अदर कोर्सेज में आप सीखेंगे कि 3D डिजाइन कैसे बनाई जाती है, तो वहाँ भी अपन इस टूल का यूज करेंगे। और आप सर्किट्स बना सकते हैं, तो सर्किट वाले में अपन आर्डिनो बनाना यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से आर्डिनो के सर्किट यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो सर्किट का सेक्शन भी है, एंड अदर है कोड ब्लॉक्स। तो कोड ब्लॉक्स अलग चीज है जिसमें आप कई सारे ब्लॉक्स को मर्ज करके लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे सर्किट को। तो सर्किट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जो पहले से कुछ सर्किट बना रखे होंगे तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करें तो ये बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, तो आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जो न्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कर दो और सर्किट पे क्लिक कर दो, तो हमें एक बिल्कुल ब्लैंक डैशबोर्ड मिल जाएगा जहाँ पर हम कोई भी सर्किट इजीली बना सकते हैं। तो देखो, इस तरह का हमें एक प्लेस मिला है, एक डैशबोर्ड मिला है जहाँ पर हम अपना पूरा कंप्लीट सर्किट बना सकते हैं। तो देखो, सर्किट बनाने के लिए जो मेनली रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो सारी इस साइड में अवेलेबल है। यहाँ पर बेसिक हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ऑल कर देते हैं तो देखो, यहाँ पर इतने सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है जिनका यूज करके आप सर्किट बना सकते हैं यहाँ पर, और उनको जस्ट सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसे सॉफ्टवेयर के अंदर इन सब का यूज करते हुए बना सकते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जितनी भी चीजें यहाँ पर बन सकती है, और इवन आर्डिनो का भी आप यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो देखो, आर्डिनो का यूज टिंकरकैड पर करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी कंपोनेंट, अगर कोई भी कंपोनेंट आपको चाहिए तो अगर आपको इजीली यहाँ पर दिख रहा है तो आप उसको ड्रैग कर सकते हो। जैसे इस कंपोनेंट को अगर यहाँ लाना है तो मैं यहाँ से ड्रैग करके ला सकता हूँ, और इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करके डिलीट के बटन आप कीबोर्ड में दबा दो, या फिर यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन है। तो अभी हमें चाहिए यहाँ पर आर्डिनो, तो आर्डिनो में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये आर्डिनो हमने यहाँ पर, ये अभी हमें आर्डिनो यूनो मिल गया है। थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप माउस के थ्रू। तो ये आर्डिनो बोर्ड है हमारा, हार्डवेयर में भी बिल्कुल इसी तरीके का दिखाई देता है। तो इसको हम यहाँ पर प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी सर्किट हम लोग बना सकते हैं। अब देखो, आर्डिनो हमारे पास आ चुका है, और अदर इसमें कोई भी इक्विपमेंट अगर आपको लगाने तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो हमें कोई भी LED लगानी है आर्डिनो के अंदर, तो मैं यहाँ पर LED टाइप कर देता हूँ। ये LED हमें मिल गई। LED का अगर कनेक्शन करना है तो इसका क्लिक करके आप जस्ट यहाँ पर इसको इस तरीके से प्लेस कर दो, तो ये कनेक्शन भी इसमें इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्डिनो का कनेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। अब जो मेनली जो वर्किंग है, जो कि आर्डिनो का कोड, वो किस तरीके से होगा, तो देखो, आर्डिनो का कोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस सेक्शन पे तभी क्लिक होगा जब आप पहले आर्डिनो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आर्डिनो आपका यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, नो प्रोग्रामेबल कंपोनेंट ऑन दिस सर्किट, और आपका ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एक बोर्ड यहाँ पर लाना पड़ेगा जिसको आपको कोड करना है।
तो सबसे पहले हम आर्डिनो यहाँ पर ले आते हैं एंड फिर कोड वाला ऑप्शन ओपन करते हैं। अब देखो कोड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। तो देखो जनरली क्या होता है कि इनको इजीली सीखने के लिए या फिर थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जनरली हम इस तरह के ब्लॉक्स बना के भी कोड कर सकते हैं, बट हम अभी इसको प्रिफर नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि जनरली जब आप आर्डिनो सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर में इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, वहाँ ओनली आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ही कोड लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ब्लॉक्स से नहीं बनाना चाहिए। ब्लॉक से हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो बट उतने अच्छे तरीके से आप कोड नहीं लिख पाएंगे जितना आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको रियल में लर्निंग के पर्पज से आप इसको कर रहे हैं या फिर जस्ट बेसिक आपको प्रोजेक्ट बना के चेक करना है तो आप ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, बट अगर लर्निंग के लिए आपको चाहिए तो आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में क्लिक कर दो एंड कंटिन्यू कर दो। तो देखो ये जो हमारा यहाँ पर हमने जैसे आर्डिनो सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था, तब हमने आर्डिनो में जो एलईडी होती है उसको ब्लिंक करने का कोड वहां पर एग्जीक्यूट किया था, तो उसी कोड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप जब भी बेसिक इसको ओपन करेंगे तो आपको यही कोड यहाँ पर मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। इस कोड से क्या होता है कि आर्डिनो की जो बिल्ट इन एलईडी होती है, आर्डिनो में यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई होती है, ये जो एलईडी है ये ब्लिंक करने लग जाती है जब हम इस कोड को अपलोड करते हैं। तो देखो कोड किस तरीके से लिखा हुआ है, कोड क्या कहना चाहता है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट हम इस टूल के बारे में समझ रहे हैं कि जब भी हम कोड वगैरह लिखेंगे तो यहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी अपलोड वगैरह नहीं करना है, जो भी कोड है आपको यहाँ पर लिख देना है, आर्डिनो यहाँ पर हमारा प्लेस किया हुआ है, और आपको जस्ट कर देना है स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट सिमुलेशन में क्या होगा, अब देखो आप जैसे ही यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये जो एलईडी है ये अपने आप ऑन ऑफ हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर जो कोड अपलोड किया है वो इसकी बिल्ट इन एलईडी, बिल्ट इन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एलईडी बिल्ट इन। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एलईडी पहले से बिल्ट इन है उसको हमें ऑन ऑफ करना है, उसको ब्लिंक करवाना है, तो उसका ये कोड था। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एलईडी होती है पिन नंबर 13 से कनेक्टेड भी होती है, तो पिन नंबर 13 पे अगर आपको कोई एलईडी आप लगा देंगे तो वो भी साथ में ब्लिंक करेगी। तो सबसे पहले आपको अगर सर्किट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो इसको स्टॉप करना होगा, जो अभी मैंने कर दिया था। जैसे अगर अपन ने सर्किट हमारा ऐसा चल रहा था तो कोई भी चेंज करना हो तो सबसे पहले स्टॉप बटन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, तभी हम उसमें चेंजेस कर पाएंगे। और कोड वाली विंडो को बंद करने के लिए इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी पहले वाली जो विंडो थी वापस ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ से एक एलईडी लेंगे, ये एलईडी है हमारी। अब इस एलईडी को हम पिन नंबर 13 पे कनेक्ट करेंगे ताकि हम इसको ब्लिंक करवा सके। एंड एलईडी यहाँ पर जो आर्डिनो है, आर्डिनो 5 वोल्ट पावर सप्लाई पे काम करता है तो इससे एलईडी खराब हो सकती है, तो हम यहाँ पर एक रजिस्टर भी यूज कर लेंगे साथ में। अब देखो कनेक्ट कैसे करेंगे, जो पिन नंबर 13 है वो हमारी कनेक्ट होती है बिल्ट इन एलईडी से, तो बिल्ट इन एलईडी अगर ब्लिंक कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है, तो यहाँ पर जो एलईडी अलग से हम कनेक्ट करेंगे वो भी ऑन ऑफ होगी। तो एक रजिस्टर के थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, पिन नंबर 13 पे मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पर एक एलईडी कनेक्ट कर दी है। और एलईडी का जो नेगेटिव, एलईडी में यहाँ पर टिंकर कैट पर ये वाला जो पार्ट रहता है वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव को मैं डायरेक्टली रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिव को यहाँ पर देखो एक ग्राउंड पिन है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव सप्लाई जो होती है उसको हम ग्राउंड कह सकते हैं, तो ग्राउंड में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। एंड अब फिर से हम इस पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं, तो अब देखो ये एलईडी भी हमारी कंटिन्यूअस ब्लिंक कर रही है और जो बिल्ट इन एलईडी थी वो भी कर रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोड कर सकते हैं। अभी हम कोड के बारे में नहीं समझ रहे कि कोड किस क्या कोड लिखा गया है, उसका फ्लो क्या है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। हम जस्ट इस टूल का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमें कोड लिखना हुआ या फिर आर्डिनो के साथ ये हमें एग्जीक्यूट करना हुआ तो हम किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो ये आर्डिनो का यूज हो गया और अदर जो भी कंपोनेंट आगे यूज आएंगे हमारे उनको हम यहाँ पर साथ में एग्जीक्यूट कर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक एग्जाम्पल, कुछ बेसिक ऑप्शन है इसके। जैसे कि मान लो आपको, आपने ये रजिस्टर लिया, इस रजिस्टर को डिलीट करना है तो इस डिलीट बटन पे क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा और इससे कॉपी हो जाएगा और इससे पेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा रजिस्टर आ गया। आप डायरेक्टली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, उससे भी आपको यहाँ पर ये कोई भी कंपोनेंट कॉपी पेस्ट आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जस्ट बेसिक ऑप्शंस है, हर किसी सॉफ्टवेयर में होता है।
तो और ये अंडू और रीडू का भी ऑप्शन है। कंट्रोल जेड हम बहुत यूज करते हैं, अगर जैसे मान लो गलती से हम कुछ स्टेप आगे चले जाते हैं तो वापस रिवर्स आने के लिए हम अंडू और रीडू को भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप जैसे मान लो बहुत बड़ा सर्किट है, वहां पर आपको कोई भी मैसेज डालना है कि ये पर्टिकुलर जो जगह है वो किसके लिए है, जैसे मान लो ये पिन नंबर 13 है तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम एक नोट्स को प्लेस कर सकते हैं। जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लाके इसको प्लेस कर देना है, और जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख के इसको ऐसे रख सकते हैं। और अगर आपको सर्किट देखने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको नोट्स को हटा भी सकते हैं और वापस ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सर्किट में नोट्स भी लगा सकते हैं उसको इजीली समझने के लिए। दूसरा, आपको कहीं पे भी कनेक्शन करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पर लाके इसको इस पर लाके एक क्लिक कर दो तो ये अपने आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इस वायर का कलर चेंज करना है तो वायर पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो वायर्स के, एंड वायर्स के टाइप भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे नॉर्मल, हुकअप वायर, एलिगेटर। तो इस तरीके से आप अलग अलग वायर्स भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये जस्ट बेसिक एग्जाम्पल है, बेसिक ऑप्शन है जिनको हम आगे यूज करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी जो हमारा इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये था कि हम टिंकर कैड का यूज करके आर्डिनो को किस तरीके से कोड कर सकते हैं, आर्डिनो का किस तरीके से यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं जिससे कि आर्डिनो को समझना और ज्यादा इजी हो जाता है। तो इस केस में हमें एक किसी भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके पूरा आर्डिनो इजीली सीख सकते हैं। तो आप जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो वो सारे स्टेप आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और ऑल्दो अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल हो तो आप उस पर अगर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से आप उसमें सीख पाएंगे। इवन सॉफ्टवेयर एक इजी मेथड होता है, बट हार्डवेयर में अगर आप वर्किंग करेंगे तो आपको जो लर्निंग होगी, क्योंकि लास्ट में हमें जो प्रोजेक्ट बनाना होगा वो तो हार्डवेयर पे बनाना होगा, तो उस पे आपका प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।